नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं खास बुलेटिन। अभी अभी खबरों का रुख कर लेते हैं। सीमा विवाद को लेकर सोमवार को असम मिजोरम सीमा पर हिंसा भड़क उठी, जिसमें असम के 6 जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। बता दें, मिजोरम की ओर से उपद्रवियों और पुलिस जवानों द्वारा की गई गोलीबारी में असम के कछार में 6 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा घायल हुए हैं। इस घटना के बाद दोनों ही राज्यों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। वहीं घटना के बाद असम और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों के बीच ट्विटर पर भी जंग छिड़ गई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि असम के पुलिसकर्मियों की मौत का मिजोरम के उपद्रवियों और जवानों ने जश्न मनाया। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस पूरे मामले में दखल देने की अपील की है। साथ ही बता दें कि देर रात शाह ने भी दोनों राज्यों के सीएम से बात की और उनसे विवादित सीमा क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करने और मैत्रीपूर्ण ढंग से समाधान निकालने के लिए भी कहा। वहीं दोनों मुख्यमंत्रियों ने उन्हें विवाद का आपसी सहमति से हल निकालने का आश्वासन भी दिया है। हालांकि इससे पहले भी असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा ने ट्वीट किया था और उन्होंने लिखा था कि मुझे ये बताते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि असम पुलिस के 6 वीर जवानों ने असम मिजोरम सीमा पर हमारे राज्य की संवैधानिक सीमा की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। जंगल में छिपे असम पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि मतभेदों का समाधान निकालने के लिए जब दोनों पक्षों के अधिकारी बात कर रहे थे, तभी सीमा पार से उपद्रवियों ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी थी। वहीं देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या को लेकर आए दिन अध्ययन हो रहा है और उसके आधार पर नए नए दावे किए जा रहे हैं, जो सरकारी आंकड़ों पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल भारत में भले ही सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 4,20,000 से ज्यादा मौत हुई हो, लेकिन एक अध्ययन में दावा किया गया है कि भारत में कोरोना की दोनों लहर के दौरान 27 से 33 लाख लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। वहीं टोरंटो विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ रिसर्च के डॉक्टर प्रभात झा और डार्टमाउथ कॉलेज में अर्थशास्त्र विभाग के डॉक्टर पॉल ने बताया है कि अध्ययन में कहा है कि अनुमान लगाया गया है इस बात का, और ये अध्ययन जून 2020 और 2021 के बीच 8 राज्यों और 7 शहरों में दर्ज अधिक मृत्यु पर आधारित है। साथ ही इसी की गणना के आधार पर ही अनुमान लगाया गया है। बता दें, 2020 में महामारी की पहली लहर के दौरान दर्ज की गई औसत अतिरिक्त मृत्यु दर 22% थी। साथ ही इस दौरान आंध्र प्रदेश में 63% से लेकर केरल में 6% तक मृत्यु दर थी, जो इस साल अप्रैल और जून के बीच महामारी की दूसरी लहर के दौरान बढ़कर 46% हो गया है। साथ ही मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 198% तक मृत्यु दर दर्ज की गई है। बता दें कि कुछ दिन पहले अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारत में कोरोना से 74 से ज्यादा मौतें हुई हैं, जबकि ये संख्या भारत सरकार के आंकड़ों से 10 गुना से भी ज्यादा है। वहीं रिपोर्ट को तैयार करने वालों में 4 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे अरविंद सुब्रमण्यम भी शामिल हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश में तंबोला में साथी को बचाने के चक्कर में खाई में गिरे हरदोई निवासी मेजर पंकज पांडे ने गुवाहाटी से एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। बता दें, शनिवार को पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार असम के लेखापानी में किया गया। वहीं जवान के शहीद होने की जानकारी मिलने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद और परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की घोषणा भी की है। साथ ही मुख्यमंत्री का स्वीकृति पत्र लेकर हरदोई के सदर विधायक नितिन अग्रवाल समेत कई आला अधिकारी शहीद जवान के घर पहुंचे। वहां उन्होंने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही इस मौके पर शहीद के पिता अवधेश पांडे ने हरदोई में तैयार हो चुके मेडिकल कॉलेज का नामकरण अपने बेटे के नाम पर करने की मांग भी की है। साथ ही इस नेक काम के लिए अपनी पूरी संपत्ति तक दान करने की उन्होंने बात की, जिस पर सदर विधायक नितिन अग्रवाल ने उनकी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का उन्हें आश्वासन भी दिया है। हमारा मतलब अपने देश से, देश तो पूरा जानते हैं, खाली यूपी सरकार से हमारा इतना विशेष करके अनुरोध है कि
33 साल की उम्र में जो उसने कर दिखाया है, हमारे लगभग जहाँ तक मेरी जानकारी है हरदोई में इतनी कम उम्र में ऐसा किसी ने नहीं किया। तो अगर श्रद्धांजलि वाकई में भारत सरकार या यूपी सरकार हमारे बेटे के लिए देने चाहती है तो कुछ बड़ा करे, छोटे मोटे गलियों का नाम रख करके हम अपने बेटे की शहादत का अपमान नहीं करें। कर सकते हैं तो मेडिकल कॉलेज का नामकरण करें, चल अचल प्रॉपर्टी सारी अगर जरूरत पड़े सरकार को हम खुद अपनी लगा देंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। नमक रोटी खाने वाले आदमी हैं, कुछ ऐसा हो कम से कम इतिहास याद करे कि भरदोई का कोई बेटा गया था। अगर हमारे भाई लोग सहमत हैं तो सब लोग साथ करके बात मांग उठाएं, और नहीं तो जो दिया है सेना पे हमको पूरा भरोसा, देश पे पूरा भरोसा, इंडियन आर्मी पूरा भरोसा, कोई जितना कर सकते थे उन्होंने किया करेंगे। शहीद मेजर पंकज पांडे जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, जिन्होंने इस देश के लिए बहुत बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, और उनकी शहादत पूरी सरकार और पूरा देश उनकी शहादत को हमेशा याद रखेगा। मैं तो केवल प्रदेश सरकार के एक प्रतिनिधि के तौर पे और हरदोई के एक बेटे की हैसियत से आज परिवार के बीच में आया हूँ, और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करूँगा जनप्रिय और जिन्होंने आज परिवार एक छोटी सी एक सहायता, मैं तो कहूँगा कि हम वैसे तो पूरा देश आज नमन कर रहा है मेजर साहब को, लेकिन एक छोटी सी जो हम कुछ थोड़ा बहुत भी कर सकते हैं सरकार कर सकती है, आज हम एक प्रतिनिधि की हैसियत से मैं आज आप परिवार के बीच में हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने परिवार के लिए जो सहायता राशि आज देने की घोषणा करी है, मैं आज वो देने परिवार के बीच में आया हूँ। इसके साथ ही प्रदेश सरकार परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और जिले की एक मुख्य सड़क का नाम भी मेजर साहब के नाम पे उसको जाना भी जाएगा, ये भी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने करी है। वहीं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के मालवा थाना क्षेत्र में कल सावन के पहले सोमवार को गंगा नहाने गए, बता दें गांव के दो युवकों की डूबने से जान चली गई। युवकों की मौत की खबर से परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं पुलिस गोताखोरों की मदद से दोनों युवकों को के शवों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं गोरखपुर के खोराबार थाना क्षेत्र में फोरलेन चौकी के पास बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इसी दौरान बदमाशों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, तभी पुलिस की ओर से भी की गई जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर पर गोली लग गई। वहीं बदमाश का एक साथी मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। आपको बता दें कि आरोपी के पैर पर गैंगस्टर लूट हत्या और हत्या के प्रयास समेत कई मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। कोतवाली के छत्ता बाजार में 26 जून को सुबह एक महिला से चैन स्नैचिंग हुई थी, जिसमें हमारे एक सीआईएसएफ के रिटायर सब इंस्पेक्टर को गोली मारे थे। उसका ये वांछित अभियुक्त था जिसका नाम महावीर है, जिसपे करीब 12-13 मुकदमे हैं, जिसमें 8-9 मुकदमे लूट के डकैती के हैं और अन्य धाराओं के भी मुकदमे हैं। ये आज पुलिस को सूचना मिली थी कि आज ये यहाँ से गुजरने वाला है और शहर में कोई घटना कर सकता है। इस सूचना पर पुलिस ने यहाँ पर नाकाबंदी की थी और उसमें पुलिस से इससे क्रॉस फायरिंग हो गई, जिसमें उसको गोली लगी है और वो घायल है, उसको अस्पताल भेजा। मथुरा के थाना कोतवाली क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने वांछित अपराधी को पकड़ लिया है। आपको बता दें कि आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस और अपराधी के बीच पहले मुठभेड़ भी हो गई थी। वहीं मुठभेड़ के दौरान पुलिस की तरफ से हुई फायरिंग से वांछित अपराधी गोली का शिकार हो गया। पुलिस ने घायल अपराधी को मथुरा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे अगली खबर का। मेरठ के कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र में एक युवक नेशनल हाईवे पर बाइक खड़ी कर हेलमेट लगा रहा था, इसी बीच तेज रफ्तार से आ रही कार ने उसे रौंद दिया।
वहीं तेज रफ्तार कार के साथ युवक काफी दूर तक घसीटता हुआ चला गया। इसी बीच आसपास के लोगों ने कार सवार का पीछा करते हुए उसे पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दे दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने कार सवार को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पीड़ित युवक के परिजन थाने पहुंचे और तहरीर देते हुए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया, आरोपी को छोड़ दिया। तो बता दें, मेरठ का यह पूरा मामला है जहां पर हाईवे पर युवक बाइक सवार था और हेलमेट लगा रहा था, वो सड़क पर खड़ा होकर, लेकिन पीछे से तेज रफ्तार से गाड़ी आ रही थी जिसने युवक को रौंदते हुए आगे कई किलोमीटर तक युवक को घसीटते हुए ले गई। हालांकि युवक के परिजनों ने इस पूरे मामले की थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई, वहीं आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, लेकिन पुलिस ने मामला तो दर्ज कर दिया लेकिन कार्रवाई करने से मना कर दिया और आरोपी को मौके से छोड़ दिया। मुजफ्फरनगर के छपार टोल प्लाजा पर धरना दे रहे भाकियू कार्यकर्ताओं ने पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष मांगेराम त्यागी के नेतृत्व में योगी और मोदी की फोटो लगाकर बीजेपी की प्रचार गाड़ी को रोककर ड्राइवर के साथ अभद्रता की। इसी के साथ पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ का भी अपमान करते हुए नजर आए। इसी के साथ ही इस पूरे मामले का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव पास आ रहे हैं, राजनीतिक गलियारों में हलचल काफी तेज हो गई है। इसी के चलते बीजेपी के राष्ट्रीय नेता और सांसद वरुण गांधी अपने एक दिवसीय दौरे पर पीलीभीत पहुंचे थे, जहां पर खमरियापुर के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वरुण गांधी का स्वागत किया। इसी के साथ ही वरुण गांधी ने शहर के गांधी स्टेडियम स्थित गांधी प्रेक्षागृह में आयोजित सम्मान समारोह में आधा दर्जन से ज्यादा खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। तो बता दें, पीलीभीत के एक दिवसीय दौरे पर वरुण गांधी पहुंचे थे, जहां पर एक दिवसीय अपने दौरे पर पहुंचे थे और उस दौरान वहां पर उन्होंने आधा दर्जन से ज्यादा खिलाड़ियों को सम्मानित किया। एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, उस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की और आधा दर्जन से ज्यादा खिलाड़ियों को उनकी तरफ से सम्मानित किया गया। हालांकि एक दिवसीय दौरे पर ही कल वो पीलीभीत पहुंचे थे, सुबह पीलीभीत वो पहुंचे थे और शाम को पीलीभीत अपने दौरा खत्म करके वो वापस वहां से लौट गए थे। इस दौरान तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था और इसी में एक सम्मान कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा खिलाड़ियों को उनकी तरफ से सम्मानित किया गया। प्रतापगढ़ के शीना मेडिकल स्टोर पर एक कमरे में संचालित जीवन ज्योति अस्पताल में जच्चा बच्चा की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने महिला की मौत का जिम्मेदार अस्पताल की डॉक्टर कुर्तुल को बताया है। आपको बता दें कि 3 दिन पहले बुखार होने के चलते रूपा यादव को परिजन मेडिकल कॉलेज की महिला विंग में लेकर पहुंचे थे, जहाँ पर आशा बहू की तरफ से मरीज को शीना मेडिकल स्टोर में संचालित हॉस्पिटल में भेज दिया गया, जहाँ पर 3 दिन से भर्ती महिला और उसके बच्चे की मौत हो गई। वहीं जच्चा बच्चा की मौत के बाद संचालक शव को बाहर कर मेडिकल स्टोर बंद कर मौके से फरार हो गया, जिसके बाद परिजनों ने परिसर के बाहर ही जमकर हंगामा किया। तो बता दें, प्रतापगढ़ का यह पूरा मामला है जहां पर जच्चा बच्चा की मौत हो गई, वहीं परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया और अस्पताल के बाहर ही धरना प्रदर्शन दिया। साथ ही बता दें, महिला को बुखार की शिकायत थी, जिसके बाद महिला को अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन पास के ही एक दुकान में महिला को भेज दिया गया था, जहां पर संचालन की लापरवाही की वजह से महिला और उसके बच्चे की जान चली गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने वहीं पर शव को रखकर धरना प्रदर्शन दिया।
सुल्तानपुर के करौंदी कला थाना क्षेत्र में कादीपुर उपकेंद्र में संविदा पर कार्यरत लाइनमैन हाई टेंशन लाइन के इलेक्ट्रिसिटी पोल पर लगे ट्रांसफार्मर का फॉल्ट ठीक करने चढ़ा था, लेकिन फॉल्ट ठीक करने के दौरान अचानक बिजली की सप्लाई चालू हो जाने की वजह से लाइनमैन करंट की चपेट में आ गया, जिससे लाइनमैन गंभीर रूप से झुलस गया। वहीं क्षेत्रीय लोगों ने लाइनमैन को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका अब इलाज चल रहा है। बता दें, घटना के बाद अधिकारियों के प्रति ग्रामीणों में काफी गुस्सा भी देखने के लिए मिला है। तो बता दें, लाइनमैन अस्पताल में इस समय भर्ती है और फॉल्ट ठीक करने के लिए वो बिजली के खंभे पर चढ़ा था। सुल्तानपुर का ये पूरा मामला है, लेकिन लाइन में करंट चालू हो जाने की वजह से वो बुरी तरह झुलस गया, जिसके बाद लोगों ने लाइनमैन को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। वहीं इस पूरी घटना से गुस्साए लोगों ने काफी गुस्सा दिखाया और प्रदर्शन भी किया। सुल्तानपुर के कूरेभार थाना क्षेत्र में पूर्व प्रधान राम मूर्ति वर्मा एक निमंत्रण से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे दबंगों ने उन पर जानलेवा हमला बोल दिया। वहीं घायल अवस्था में इलाज के लिए पूर्व प्रधान को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। साथ ही इस घटना की जानकारी जब ग्रामीणों को लगी तो उन्होंने अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर जाम लगा दिया और प्रदर्शन करने लगे। ग्रामीणों की माने तो शमशान की जमीन पर कुछ दबंग लोग कब्जा करना चाहते हैं। वहीं स्थानीय लेखपाल और थाने के सिपाही भी इनसे मिले हुए हैं। उन्हीं के इशारों पर दबंग ने पूर्व प्रधान पर हमला किया है। वहीं हाईवे जाम की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद किसी तरह जाम को खुलवाया। फिलहाल पुलिस ने अधिकारियों और आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। तो बता दें, ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया है और दबंगों की दबंगई यहां पर देखने के लिए मिली है। पूर्व प्रधान एक निमंत्रण से लौट रहे थे, तभी उस लौटते समय रात के समय में ही कुछ दबंगों ने उन पर जानलेवा हमला किया, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गए। वहीं जब इस पूरे मामले की जानकारी ग्रामीणों को लगी तो उन्होंने काफी गुस्सा दिखाया और धरना प्रदर्शन भी दिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ दबंग लोग गाँव की शमशान घाट की जमीन को कब्जाना चाहते हैं और उन्हीं दबंगों ने गाँव प्रधान पर हमला भी किया है। तो ये पूरा मामला बता दें, जहां पर इस पूरे मामले की सूचना जब पुलिस को दी गई तो मौके पर पुलिस पहुंची, जहां पर ग्रामीणों को आश्वासन दिया कार्रवाई का, जिसके बाद लंबा लगा हुआ जाम भी पुलिस ने खुलवाया और मौके से ग्रामीणों को वापस समझा बुझा कर भेज दिया गया। भैया, ये शमशान की जो है, शमशान वहाँ हम लोग ग्राम समाज की जमीन है, शमशान उससे सटा हुआ था। शमशान की जमीन जो है चमुरखे चली गई है, उसके बाद जो जेएस की जमीन पर हम लोग मिट्टी और फूंक ताप हो रहा था हमारे हिंदू समाज का, उसको कब्जा कर लेना चाहते हैं। अखिलेश लेखपाल जो है नाप दिए थे, नाप के वो अलग किए और उसके बाद में कब्जा करा रहे थे। ये मामला 3-4 दिन से चल रहा था। हम और दिलीप प्रधान कूड़े खा के जा रहे थे माधोपुर से, और रास्ते में बैठे थे सैकड़ों की संख्या में कम से कम मुसलमान सब, उसके बाद मारने लगे वहाँ जो है घेर के। इसके पहले कभी आप लोगों ने शिकायत की है इस जमीन को लेकर के? नहीं, शिकायत हुई है, शिकायत दो बार हुई है, एसडीएम साहब के यहाँ हुई है। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया था, क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था कि टीम गठित करके हम सब जो है करवाएंगे। अब आप लोग क्या चाहते हैं इस मामले पे, क्या करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? अब इस मामले में पहले जो हुआ है इसका ये हल हो, तो उसके बाद में उस मामला तो बात की बात है। नहीं, इसी मामले में क्या चाहते हैं आप लोग, बताओ आपकी मांग क्या है? चाहते हैं पीएससी गांव में हमारे पीएससी सुरक्षा के लिए पीएससी लग जाए, उसके बाद जाके सिपाही हटाए जाए, अखिलेश लेखपाल तत्काल हटाए जाए, सुरक्षा चाहिए। सर, क्या मामला हुआ आज? आज ये रात्रि में राम मूर्ति यादव है, ये पूर्व प्रधान है, ये जगह से दावत खा के लौट रहे थे, तो रास्ते में इनको जो ये 6 लेन का जो हाईवे का अंडर पास है वहाँ पे कुछ लोग थे, जिसमें उनको एक आदमी को ही पहचानते हैं जो कि कदीर सना बशीर है, वो और उसके गांव के काफ़ी लोग इकट्ठा होकर लाठी डंडे से उन पर वार किए, इससे उन्हें चोट आई थी। इस संबंध में इनके द्वारा तहरीर प्राप्त की जा रही है और तहरीर प्राप्त करने के बाद जैसे कि शमशान की जमीन को लेकर विवाद बताया जा रहा है,
ऐसी स्थिति में जब शिकायत हुई थी सर, उसके बाद कोई कार्रवाई की? इसमें एक टीम गठित की गई है, जैसा भी संज्ञान में आया है कि शमशान के जो ये जमीन थी इसमें एसडीएम सदर द्वारा एक टीम गठित की गई थी, जिसमें कल डेट दी गई है मंडे को पैमाइश करने की। तो पैमाइश करने के पहले ही ये घटनाएं हुई है, इसके संबंध में कार्रवाई की जा रही है। आपके थाने के दो सिपाहियों का भी इस मामले से जुड़ा हुआ कुछ बताया? उसकी जाँच कराई जा रही है, अगर उनका कोई लिप्तता पाया जाएगा तो उनके विरुद्ध। जैसे कि महीने भर में दो बार सर अभी रोड हाईवे जाम हुआ है, काफी देर तक मतलब जो है रोड जाम रहा है। देखिए, रोड हाईवे जाम करना तो एक अपराध है जी, नेशनल हाईवे को जाम करना, किसी की भी जो समस्या है समस्या का निस्तारण होना चाहिए। समस्या यही है कि अगर किसी ने किसी पे चोट मारा है या वार किया है जैसे, तो उस पर उनको विधिक कार्रवाई करनी चाहिए। इसका निस्तारण रोड जाम करने से नहीं होता, रोड जाम करने से जन सामान्य को परेशानी होती है। एम्बुलेंस कर्मी अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। वहीं एम्बुलेंस कर्मियों ने 3 दिन के शांतिपूर्ण धरने के बाद बरेली के रबड़ फैक्ट्री मैदान में अपनी सेवाएं रोककर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस वहीं एम्बुलेंस कर्मचारियों की अपनी मांगें पूरी न होने पर बड़े आंदोलन की उन्होंने चेतावनी भी दी है। दरअसल पूरा मामला बरेली के रबड़ फैक्ट्री मैदान का है, जहाँ पर जिले के सभी सरकारी एम्बुलेंस और उनके कर्मचारियों ने अपनी एम्बुलेंस को रबड़ फैक्ट्री मैदान में खड़ा कर चक्का जाम कर दिया था। एम्बुलेंस कर्मियों की मांग है कि सरकार और निजी कंपनी जिसके अधीन वो काम कर रहे हैं वो उनकी मांगों को पूरा करें। इस बुलेटिन में फिलहाल का इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।